इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पोर्टल को हैक कर दिया लाखों का गबन। बरेली में एक गैस एजेंसी पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पोर्टल को हैक करके गैस एजेंसी पर लाखों का चूना लगा दिया। धनराशि अपने खाते में जमा कर ली। मनीषा गैस एजेंसी के मालिक अमन गुप्ता पुत्र कृष्ण लाल निवासी राजीव नगर पीलीभीत बाईपास रोड बरेली ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उनके कर्मचारी दीपक ने उनके साथ जालसाजी करके इंडियन ऑयल के पोर्टल को हैक करके मनीषा गैस एजेंसी के ऑनलाइन पेमेंट को अपने खाते में डालकर गबन कर लिया। थाना कोतवाली पुलिस ने एसएसपी अखिलेश चौरसिया से निर्देशन में एसपी सिटी राहुल भाटी के कुशल नेतृत्व में गबन करने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी कोतवाली ने हैक करने वाले अभियुक्त दीपक को सरोली से गिरफ्तार किया। उसने बताया कि गैस एजेंसी का लॉगिन और पासवर्ड उसने पता कर लिया, जिसके आधार पर उसने गैस एजेंसी का ऑनलाइन पेमेंट का लाखों रुपए अपने खाते में डाल लिए। और दीपक संजय नगर थाना बारद्री का रहने वाला है। इसके ऊपर 420 406 का मुकदमा धारा 66 आईटी एक्ट के तहत किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में वीरेंद्र बहादुर सिंह कांस्टेबल कुमार और गुलशन कुमार पुलिस अभी दीपक से पूछताछ कर रही है। इसके अन्य साथियों का नाम भी पता किया जा रहा है। देखिए, एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम दीपक है, जो निवासी संजय नगर थाना बारादरी का है। ये एक मनीषा गैस एजेंसी थी जिसका ये पूर्व एम्प्लॉय है, और एक वादी है अमन गुप्ता। उनकी तहरीर प्राप्त हुई कि उनकी जो दुकान है पीलीभीत बाईपास रोड पर, उनकी एक इंडियन ऑयल गैस एजेंसी की एजेंसी है, जिसमें वो ऑनलाइन जो पेमेंट है एक पोर्टल के माध्यम से लेते हैं। इस पोर्टल की कुछ विशिष्ट आईडी और पासवर्ड होती है अलग, तो इस व्यक्ति ने उस पासवर्ड को हैक करके इसके जो पेमेंट होते पेमेंट पोर्टल को हैक करके कहीं लाखों रुपए का गबन किया है। जो तही प्राप्त हुई उसके आधार पे, तो उसमें 420 406 का मुकदमा 14 सितंबर को लिखा गया था, 66 आईटी एक्ट में भी लिखा गया था। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी थाना सिरौली से हुई है और कोतवाली में ये मुकदमा पंजीकृत था। सर, पूछताछ में क्या बताया, कहाँ से इसको आइडिया आया, कैसे इसे ठगी को जानते? क्योंकि ये पूर्व एम्प्लॉय था और इसी तरह की एजेंसी में काम करता था, तो उसको इसका आइडिया था कि डिस्ट्रीब्यूटर के लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड किस तरह से काम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि तमाम सीसीटीवी के पासवर्ड और यूजर नेम जनरली सेम रहते हैं, तो उसको इस चीज़ का आइडिया था। चूँकि पूर्व एम्प्लॉय रह चुका है, तो इस जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए उसने उसके पोर्टल को हैक किया और इस तरह से काफ़ी इसने ऑर्डर भी प्लेस किए गैस सिलेंडर के, और जो पैसा था अपने खाते में ले लिया। ये इसका मॉडस ऑपरेंडी रहता है। तो ये एक तरह से 406 420 का टिपिकल मामला है, ठगी का मामला है, ऑनलाइन ठगी का मामला। बट सर, आपराधिक इतिहास इसका कोई नहीं है, आपराधिक इसका कोई नहीं, इसके लिए बात करेंगे पुरस्कृत खंड।